कुछ स्टार्स बड़ी फिल्मों में छोटे रोल करके भी ढेर सारा नाम कमा लेते हैं और कुछ के लिए हजार फिल्मों में अहम रोल करके भी ये रास्ता मुश्किल ही बना रहता है। एक ऐसे ही कम जाने माने लेकिन बेहतरीन एक्टर हैं बृज गोपाल। आज हम बृज गोपाल के बारे में आपको बताएंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 1966 में जन्मे बृज गोपाल को बचपन से ही फिल्मों से लगाव था, मगर इनके पिताजी चाहते थे कि ये भी अपने बड़े भाई की तरह डॉक्टर बने, इसलिए इन्हें पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजा गया। लेकिन इन्होंने लखनऊ में कभी भी पेपर नहीं दिया। जितने दिन लखनऊ में रहते ये बस फिल्में देखा करते थे, वो भी चारों शोज। बृज गोपाल के घर वाले सोचते कि बृज मेडिकल का एग्जाम देने लखनऊ जाते हैं, मगर जब उन्हें पता चला कि बृज ने एक बार भी पेपर नहीं दिया तो इनके पिताजी ने इनकी LLB की क्लास शुरू करवा दी ताकि ये वकील बन सकें। इन्होंने डिग्री ली और कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी, मगर फिल्मों के दीवाने बृज जी का मन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता था। तभी इनकी शादी करवा दी गई। एक बच्चा हो जाने के बाद भी इन्होंने मुंबई का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा और एक दिन अपनी बीवी बच्चों को अपने माँ पिता के पास छोड़कर ये मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर इन्हें समझ आया कि फिल्मों में काम करना इतना भी आसान नहीं है, और जब ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते तो इन्हें अपने किए पर पछतावा होता। जब ये अपने घर फोन करते तो इनके पिताजी बहुत गुस्सा होते और कहते, पता भी है आस पड़ोस के लोग तुम्हें कितना ताना देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, अब भी वक्त है वापस आ जाओ। तब उन्होंने मन बनाया कि ये कुछ करके ही वापस जाएंगी। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग क्लास लेना शुरू कर दिया और फिल्मों में काम भी ढूंढते रहते। काफी संघर्ष के बाद इन्हें लड़के बाप से बढ़ के फिल्म में भीड़ में खड़े रहने का मौका मिला। 2-3 फिल्मों में ऐसे रोल करके इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा। तब इनके जानने वालों ने इनसे अपना नाम बदलने को कहा तो शायद इन्हें सफलता मिल जाए, मगर बृजमोहन ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपना नाम कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। बृज ने कहा कि मैं अपने पिताजी को वो सम्मान नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था, मगर नाम बदलकर मैं उनका अपमान नहीं करूंगा। इन्हें बाद में रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में काम करने का मौका मिला। इन्होंने शिवा फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभाया था। शिवा फिल्म में इनकी शानदार परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा इनसे काफी प्रभावित हुए और पब्लिक ने भी इन्हें नोटिस किया। उसके बाद उन्होंने बेटा, इश्क, सुहाग, गंगाजल, अपहरण, घातक, चाइना गेट, लज्जा जैसी 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। साथ ही टीवी शो और वेब सीरीज में भी काम किया। हालांकि इन्हें कोई दमदार रोल नहीं दिया जाता था जिससे हमें इनके पूरे टैलेंट को देखने का मौका मिले, लेकिन इनका काम लोगों को जरूर पसंद आता और इनके पिताजी भी इनकी कामयाबी से खुश थे। अब मुजफ्फरनगर में वो शान से घूमते हैं और सबको बताते हैं कि बृज गोपाल मेरा बेटा है। अब बृज गोपाल जी फिल्मों से दूर हैं, वे फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, ज्यादा उनका फोकस अब वेब सीरीज पर ही रहता है। कैसा लगा आपको बृज गोपाल के बारे में बनाया गया ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।